और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नोबिता डोरेमोन रेजिडेंट इवल 2। और ये पार्ट 8 होने वाला है सीरीज का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पिछले पार्ट में यार इरीना ने धोखा दे दिया, मतलब वो ना अम्ब्रेला की तरफ से निकल गई यू कह के, और मतलब सबको मार पीट रही थी। और फिर उसके बाद आँखें बंद हो गई नोबिता की, और उसके बाद का सीन है अभी है। तो भाई किसी की आवाज़ आ रही है, कोई बोल रहा है थैंक यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तवासा कर देगा। तो क्या हुआ उसके साथ, क्या तुम वहाँ पे गए? तो डेकिसुकी बोल रहा है हाँ मैंने करवा दिया उस लड़की से जो USS में थी। तो शायद इरीना की बात कर रहा है। और मैंने उन फनी गाइस को भी लॉकअप में डाल दिया था। क्या सब कुछ बढ़िया नहीं है? लेकिन उन्होंने अब भी वहाँ पे सरवाइव कर लिया। ये अनबिलीवेबल है ये एबिलिटी उनकी। हाँ क्योंकि उन्होंने बायोलॉजिकल वेपन्स के साथ फाइट कर रखी है। तो डेके से भी बोल रहा हूँ हे कुछ नहीं। तो भाई मुझसे लग रहा है सैड डे की जो कि डोरेमोन के साथ ही बात कर रहा है, जैसे इनकी बातों से लग रहा है। तो भाई जिसकी भी आवाज़ आ रही है वो कह रहा है अभी M121 मॉडिफाइड फाइनल टेस्टर को हेल्प करने में हेल्प करेंगे। तो क्या तुम्हें जी मिला 4th एरिया में? और केयरफुल रहना। तो अच्छा वो डेगजी को बोल रहा है कि जी लेके आओ। भाई अब जी क्या है ये पता नहीं। ठीक है और उस लड़की का क्या हुआ जो USS से है? डिप्लॉय कर दो सिक्योरिटी के 3rd एरिया में, सिक्योरिटी 3rd एरिया में, क्योंकि वहाँ पे डेंजर है। बस अपनी डिप्लॉय करो वहाँ पे फोर्स। ठीक है समझ गया। ठीक है मुझे मिल गया द रियलाइजेशन ऑफ दिस ड्रीम द अल्टीमेट लाइफ फॉर्म इज़ अबाउट टू वॉन्ट। तो ये कह रहा है अल्टीमेट लाइफ फॉर्म अब बनने वाली है। और भाई ये क्या बना रहा है वो? भाई ये डोरेमोन का हाथ है। हाँ मुझे लगा ही था कि डोरेमोन होगा। तो बोर्डिंग टूल का, और भाई ये क्या सीन है? ओ भाई ये तो शिजुका है। शिजुका को इन्होंने कहीं पे, भाई ये पिछले पार्ट में मर गई थी वैसे, नेमेसिस ने इसका पेट फाड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे दिखा रहे दोबारा से शिजुका को। तो शायद इन्होंने बचा लिया था डोरेमोन ने फिर इसको। तो भाई नोबिता भी आ गया अब। तो भाई हम कहीं पे होटल में किसी और आराम से बेड पे सो रखे हैं। तो नोबिता बोल रहा है ये मैं कहूँ? ओह हाँ इरीना ने ऐसा किया था, इरीना के ने मतलब हमें बेहोश कर दिया था। ओह मेरे अभी भी गोलियाँ और वेपन्स मेरे पास ही है, लेकिन मेरा कम्युनिकेटर यहाँ पे नहीं है। स्ट्रेंज, अजीब सी बात है, जब हमारा रेस्ट होते हैं तो सब कुछ ले लेते हैं ये सब लोग तो, लेकिन और सब लोग का है, मुझे उनको ढूंढना होगा। तो भाई हमें और सबको ढूंढना होगा अब, और हमारा सारे वेपन्स वगैरह हमारे पास ही है, किसी ने कुछ नहीं लिया हमारा। तो चलो अब भाई बाहर चलते हैं और देखते हैं अब क्या करना है। अभी जाएंगे इधर इधर एक्सप्लोर करते हुए। पहले शॉटगन शेल्स मिल चुके हैं, और वो यहाँ पे घड़ी टंगी हुई है, एंसिडेंट वॉल क्लॉक ये टूटी हुई है। यार पहले मैं बटन सही करूँ, अब सही है। यहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है, चलो इसमें सेव कर लेते हैं पहले, और मैं ओवरराइट कर लेता हूँ। उधर भी जाके देखेंगे। फर्स्ट एड स्प्रे,
और ये ड्रॉ लॉक है। अब इधर जाके देखते हैं। ओ भाई इधर तो बहुत अंधेरा है, अब कोई ज़ॉम्बी ना आ रहा यहाँ से। तो ऐसे 15 हैंडगन की बुलेट्स मिल चुकी हैं हमें। और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये गेट लॉक है जिस पे आई लेटर बना हुआ है इस गेट पे। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं। तो लॉक है, हमें इसके लिए वैक्स म्यूजियम की चाहिए इस गेट को खोलने के लिए। और भाई यहाँ पे स्टैचू रखा है तो इसको सरका देते हैं इधर। और ये यहाँ से नीचे खंडा देते हैं, ये इसी चीज़ के लिए रखा होता है नीचे खंडाने के लिए। अब इसमें से कुछ मिलेगा हमें ज़रूर। पहले इधर देख लेते हैं इधर कुछ है क्या। ये तो वही आ गया वापस, कोई नहीं, उसमें से देखते क्या मिला हमें। तो वैक्स म्यूज़ियम की मिल चुकी है, अब फटाफट से उस गेट में जाके देखते क्या है। यूज़ कर लिया। और भाई ये क्या, इनके क्लोन्स क्यों खड़े हुए यहाँ पे। तो नोबिता कह रहा है जियान, सब लोग जियान। ओह तो ये बस एक वैक्स फिगर है। तो भाई ये बस मोम के पुतले हैं सारे इनके। लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या, और वो हमारे ऊपर वो भी। तो भाई पता नहीं इनके पुतले के बना के रख रखे हैं यहाँ पे। तो इस पर लिखा है कि ये वैक्स की फिगर है और ये स्ट्रॉन्ग लग रही है बहुत। तो ये वैक्स फिगर है नोबिता की जो टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हुई है। तो ये सुनियो की वैक्स फिगर है, ये अपने बाल बना रहा है इसमें। और ये सियाने की वैक्स फिगर। और भाई ऐसे ऐसे ग्राउंड्स मिल चुके हैं हमें मैंशन की। और भाई ये वैक्स फिगर है नेमेसिस की, मैं जानता हूँ इस मॉन्स्टर को नेमेसिस। और ये वैक्स फिगर है किसी लड़की की, और ये भी एक छोटी सी बच्ची की वैक्स फिगर है। ओ भाई ये क्या आ रहा है, ओ भाई, ओ भाई डरा देते हैं भाई ये तो एकदम से। ओ भाई ये बाहर ही है, ये बिल्कुल बाहर जाऊंगा ना बाहर जाते ही मिलेगा ये मुझे, बताता हूँ इसे। चलो पिन पॉइंट शर्ट लगा लेता हूँ मैं। भाई इन सब के गर्दने उड़ा रखी भाई इसने, बस हमारी बची है। ओ भाई हमारी भी उड़ा दी इसने। और भाई मैंने इसका खात्मा कर दिया एक में ही। मैं लगा था भाई ये तो बॉस होगा कहीं का, भाई ये तो ऐसे ही है नॉर्मल ज़ॉम्बी। चलो कोई नहीं, अच्छा ऐसे ही फिर रहा है, अभी ये मैंशन में फैल चुके हैं। और भाई ये बहुत कूद रहे हैं सच में बंदरों की तरह। ओ भाई इसका डैमेज क्या है, भाई डैमेज 5 है इसका। चलो भाई सेव कर लेते हैं हम यहाँ पे। हम पे मेंशन किया है तो मेंशन की का यूज़ देखना है आप किधर। तो ये उस साइड से लॉक है तो ये तो नहीं खुलेगा। तो मेंशन की यहाँ पे लगेगी, मेंशन की का यूज़ कर लिया हमने। और भाई यहाँ पे क्या है, ये अलमारी उलमारी रखी है जो कि खुल नहीं रही। और ये शीशा है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा शीशा है जिससे चेक करते हैं हम अपने कपड़े पहन के कैसे लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि मुझे इसको तोड़ देना चाहिए हैंडगन से। हाँ
और इससे कुछ मिलेगा शायद हमें। तो भाई यहाँ पे ईगल जैसी कोई आकृति बनी हुई है जिससे डेकोरेट कर रखा है। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है यहाँ पे। ओ भाई ये कहाँ खड़ा हुआ है? तो इस डोर का हैंडल ब्रोकन है, मतलब टूटा हुआ है। तो यहाँ पे इसमें पानी जमा हुआ है इस बाटम में, तो हम प्लग को पुल आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो निकाल देते हैं हम प्लग को, कुछ चमक रहा है पर। तो हमें स्मॉल की मिल चुकी है यहाँ से, और टॉयलेट जाम रखा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ नहीं है। और भाई बच गया मैं। यहाँ पे एक बड़ा सा पियानो रखा हुआ है जिसमें ऑटोमेटिक प्लेइंग फंक्शन है। तो भाई बच क्यों नहीं रहा, बजाओ इसे। बच नहीं रहा है, कोई नहीं, देखेंगे इसका भी क्या करना है अभी। और भाई कुछ नहीं है, मीटिंग वीटिंग चलती है शायद इनकी। तो हमने खोल लिया है। और यार हम इधर एक जगह पे नहीं गए थे, वहाँ पे भी जाके देख लेते हैं अब। और भाई मेरे को ब्लीडिंग हो गई है। यहाँ पे नहीं आए थे हम। तो हमें नोट्स मिल चुके हैं यहाँ से, रेड हर्ब। ओ भाई मेरे को भाई लग ही रहा था भाई ये वन शॉट किल वाला है भाई। ये उसी जो पिछले उसमें था ना सीरीज में, हरे कलर का, अचानक से ही। तो वैसे मैंने चीज़ें इकट्ठी कर लिया वापस से, और भाई उसने सर उखाड़ दिया था मेरा। लेकिन भाई कोई नहीं, अब हम केयरफुल रहेंगे। और हमें स्मॉल की मिली है उस बाथ टब में से, तो उसका यूज़ करते हैं, और वो यहाँ पे यूज़ होगी। तो हमें यहाँ से एक नई गन मिली है, हैंड गन HP। भाई इसका डैमेज देखते हैं पहले। चलो सही है, हम भाई नोबिता पे बहुत सारी गन हो गई है, जो सामने आएगा बच नहीं पाएगा नोबिता से। तो हम पे मेंशन किया है, तो उसका यूज़ है यहाँ पे। तो मेंशन की को यूज़ कर लिया हमने। और भाई क्लॉक स्क्रू मिल चुका है हमें यहाँ से ही, उस क्लॉक में जाएगा। और भाई कोई तो आ गया है यहाँ पे, ये घूम रहा है यहाँ। भाई हम यहाँ से चलते हैं फटाफट। तो एक क्लॉक स्क्रू इसमें लगा देते हैं, लेकिन इससे पहले हमें नोट्स पढ़ेंगे। तो भाई क्लॉक स्टार्ट हो चुकी है, और कुछ सीक्रेट कुछ सेफ सा है इसके पीछे। जैसे हमें कार्ब डेक्स मिला है, और ये कार्ब डेक्स शायद वहाँ पे लगेगा जो वो हिस्सा तोड़ दिया था हमने।
यहाँ पे भी लग सकता है, ला के देखते हैं यहाँ पे है क्या। यहाँ पे तो नहीं लेगा, तो ये वहीं पे लेगा जहाँ पे वो शीशा तोड़ा था हमने, वह शीशा किधर तोड़ा था। ओ भाई तू इतनी जल्दी में था भाई, तो कुछ ज़्यादा जल्दी आ रहा था, गुस्से में था लग रहा। यहाँ तोड़ा था हमने शीशा। हाँ यहीं पे लगेगा है। और भाई यहाँ पे एक सीक्रेट डोर खुल चुका है, चलो इसमें चल के देखते हैं। अब पियानो प्लेयर मिल चुका है हमें यहाँ से, तो अभी उस पियानो में लगेगा। मैं सेव कर लेता हूँ एक बार। मैं बंदरों का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी गर्दन उखाड़ सकते हैं, इसलिए सेव करके चला करो। तो हम स्विच ऑन कर देते हैं इस पियानो प्लेयर का, तो भाई पियानो ऑटोमेटिकली प्ले हो गया। और भाई ये दोनों कहाँ से आ गया भाई, पियानो की आवाज़ सुन के। अरे ओ भाई अबे क्या हुआ इन्हें, भाई क्या हुआ था उन्हें, तो दौरे से पड़ गए थे भाई, मतलब इतना खतरनाक सीन शॉट कर। तो चलो भाई चलते हैं अब, और पियानो प्लेयर को इसमें लगा देते हैं। ये रहा भाई पियानो प्लेयर, और इसको टर्न ऑन कर देता हूँ मैं स्विच अप लगा के। अरे भाई भाई अचानक से कहाँ से आ गए, और भाई ये अगर भाई इसने गुस्सा दिला दिया मुझे, टूट जा रहा। तो भाई नन्नों को निपटा दिया मैंने, फैन को भी आते बताने कहाँ से आ गए थे। तो भाई यहाँ पे फंस चुका है नोबिते, भी कह रहा है आखिर क्या है इस मेंशन में, क्या करूँ मैं, कैसे बाहर जाऊँ इस मेंशन से। और भाई नोबिता पे कुछ रिसर्च हो रही है लग रहा है, कोई रिसर्चर। अच्छा तो नोबिता को देख रहे हैं कहीं से। भाई रिसर्चर ये बोल रहा है हम इस डाटा को और ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते बैटर डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन MA121का डाटा बहुत ही अच्छा दिखा रहा है, रिसर्चर ये बोल रहे। तो भाई बातें हो रही है रिसर्चर ए और बी के बीच में, तो नोबिता के ऊपर बात कर रहे हैं कि इसकी कॉम्बैट एबिलिटी बहुत अच्छी है। क्या क्या हुआ भाई, कुछ एमरजेंसी वगैरह, कुछ अलार्म बज रहा है। और भाई यहाँ पे एक सीक्रेट गेट खुल चुका है, अचानक से अपने यहाँ पे आ गया है गेट, तो चलते हैं इसमें। नोबिता जियान रियली इरीना ने ये किया, यहाँ बाहर एक जंगल है, इसके बाहर नहीं, या इसके बाहर एक बिग मैंशन है। मैं एक बहुत ही पुराने हॉस्पिटल में थी,
लेकिन अजीब सा हुआ, ये ब्रॉडकास्ट चालू और सारे के सारे डोर अपने आप ही खुल गए और हम सबके सब यहाँ पे सेम प्लेस पे आ गए। तो भाई कोई अलग जगह से आया, कोई अलग जगह से, नोबिता मैंशन से आया, जियान पता नहीं कहाँ से आया, और ये हॉस्पिटल से ऐसे आने, और ये कोई जंगलात में से आया। तो आखिर ये ब्रॉडकास्ट आखिर बोलना क्या चाहता है? ये अलार्म बहुत ही ज़्यादा कान में दर्द करने वाला है, ये स्टेट ऑफ एमरजेंसी बोल रहा है, ये मेरे ख्याल से थर्ड एरिया है, ये इस प्लेस का नाम है थर्ड एरिया। हे तुम लोग। तो भाई यहाँ पे दो गार्ड्स आ गया, तो गैस मास्क में ले आया एक का नाम। तो तुम उन ब्रैट्स का ग्रुप जिन्होंने अरेस्ट किया था BSS बेस को, तो कमीशन इसलिए स्टार्ट हुआ है तुम्हारे, तुम लोगों की वजह से, इन्हें मार दो। ओ भाई यहाँ पे मॉन्स्टर आ गया और उसने गार्ड बी को मार दिया। क्या क्या BOW एस्केप हो गया? आखिर ये हो क्या रहा है इस कंट्रोल डिवाइस के साथ? आखिर ये किस टाइप का मॉन्स्टर है? भागो यहाँ से। और भाई इसको उसका बहुत ही भाई भूत सा बना दिया उसका, मार मूर के उनका। ओ भाई ये क्या स्पेसशिप? और भाई नोबिता खड़ा होकर देखने लग गया था, लेकिन जान ले गया उसे। क्या तुम ठीक हो नोबिता? हाँ, थैंक यू सियाना, मैं ठीक हूँ सच में। क्या सीक्रेट वैसे उन्होंने सबको कम्युनिकेटर भी दे दिया है। अगर तुम्हें कुछ भी मिले तो मुझे कॉल करना, ठीक है? चलो चलते हैं। तो वैसे वो अपने अपने मिशन पे निकल चुके हैं, जियान एरिया 1 में और हमें एरिया 3 और 4 में आना है। और भाई पार्ट भी बहुत बड़ा हो गया है, तो सेव कर लेते हैं अब हम। तो भाई इस पार्ट अच्छा लगा तो लाइक करना। भाई मुझे पता है इनकी बातें बहुत बोरिंग करी जाती है और बहुत लंबी चलती है, लेकिन क्या करें भाई, स्टोरी लाइन है, पढ़नी तो पड़ेगी। चलो अच्छा भाई, थैंक यू।